आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। पक हो चुका है टॉप 10 खबरों का। चलिए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। आतिशबाजी ने बढ़ा दी सांसों की मुश्किलें। दिल्ली में AQI 400 के करीब, रात को 30 गुना तक बढ़ गया था प्रदूषण। त्यागी ब्राह्मण से अब बने ठाकुर। इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी ने फिर बदला अपना नाम। दिवाली के दिन कानपुर में बड़ा हादसा, जोरदार धमाके में गई पति पत्नी की जान, 8 घरों में आई दरारें। अर्थशास्त्री विवेक देवराय का निधन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के थे चेयरमैन। कर्नाटक के होनावाड़ में सिर्फ 11 एकड़ है वक्फ संपत्ति, बाकी किसानों की जमीन मंत्री MB पाटिल ने दी सफाई। हेमंत सोरेन की उम्र पर बवाल, भाजपा के निशाने पर CM पूछा 5 साल में कैसे 7 साल बढ़ गई आयु। पैर छुए फिर बरसाई दनादन गोलियां, दिल्ली रबर मर्डर केस में सामने आया चाचा भतीजे की हत्या का CCTV फुटेज। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 52 नए मरीज, डेंगू में मरीजों की संख्या 231। जेक सुनीवाल ने अजीत डोभाल से फोन पर की बात, क्षेत्रीय सुरक्षा विभाग समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। रिंकू सिंह हुए मालामाल, शाहरुख खान ने उनके लिए खोली तिजोरी, 55 लाख से करीब 24 गुना बढ़ाई सैलरी। फिलहाल इस टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।